लोग निकले हैं मम्मी और मैं, हम लोगों का मतलब यहाँ यही है, हम लोग निकले हैं ब्लैंकेट लेने के लिए। ठंडी की शुरुआत हो चुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो अब इतनी ठंडी आ गई है कि आप लोग ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने ब्लैंकेट लिया, उसके बाद हम लोग चले गए बाटा के शोरूम, वहाँ से शूज़ लेना था घर के लिए, तो शूज़ हम लोगों ने लिया। और बहुत अच्छी यहाँ पर जूती का कलेक्शन था, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छी वेराइटी थी बाटा में, बट मैंने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद पापा ने कॉल करके बोला कि उन्हें एक हाफ स्वेटर चाहिए, तो हम लोग वो देखने निकल गए। और इन दोनों में हम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे ये कौन सा कलर है, फिर फाइनली हम लोगों ने रेड एंड ब्लू वाला पसंद किया। उसके बाद मैंने वैसे हाई में कुछ एक दो टी शर्ट देखी और फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए विंटर का शॉपिंग करने के बाद। और जैसे कि अब मुझे जाना है कल या फिर परसों, मैं परसों निकलने वाली हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ पे मीठे बिस्कुट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली जो चाय से खाए जाते हैं वो। हाँ। और एक दो नमकीन के पैकेट्स मैंने लेने, यहाँ पे एकदम फ्रेश बनता है, घर के बगल में ही था, वहाँ पे फ्रेश बना के आपको जैसा तीखा चटपटा जो चाहिए वो ऐसे पैक करके दे देगा। तो हम लोगों ने सारा सामान लिया, उसके बाद हम लोग निकले खाने के लिए कुछ, तो हम लोगों ने मोमोज खाए। और घर पे आने के बाद क्या बन रहा था, तो ये मेरा फेवरेट है जिसको गोझा बोलते हैं हम लोग, कितने लोग इसको दाल भर के पीठा भी बोलते हैं। आपने इसकी रेसिपी मेरे वीडियो में नहीं देखी, तो मैंने बहुत पहले ब्लॉग में एक बार इसकी पूरी रेसिपी आपको दिखाई है, तो जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब पसंदीदा डिश मैं बोल सकती हूँ कि है। और घर पे आने के बाद हम लोगों ने इसे बनाया, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, बट हाँ बन जाने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, हाँ मैं तो बोल रही हूँ फिर भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो बस हम लोगों ने उसको बनाया और फिर हम लोगों ने आराम से इंजॉय किया उस मील को। देन उसके बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक करने के बाद कुछ फ्रूट्स लेने थे, तो वहीं हम लोग आए थे, मैंने फ्रूट्स वहां से उठाया और उसके बाद मैं आपसे शाम। एवरीवन गुड इवनिंग, मैं डायरेक्ट आपको शाम को मिल रही हूँ, एक सेकंड पहले अच्छे लाइट में आ जाने दीजिए। तो मैं फाइनली लाइट में आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत वैसा मुझे लग रहा है, कल मुझे जाना है और इसीलिए घर में सभी सैड पड़े हुए हैं। कंटिन्यू मम्मी रोए जा रही है सुबह से ही। मैंने बोला कि तबीयत ख़राब कर लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे कि आज ही विदाई हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट सभी सैड हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ और वहाँ अकेले, तो क्या मतलब मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या अंदर फीलिंग है, बट क्या करें, जो करना है वो तो करना है। तो लास्ट टाइम मतलब अभी इवनिंग में, इस बार के आने वाले में हम लोग आए हैं थोड़ा ऐसे ही बाहर घूमने, कल सुबह की ट्रेन है, तो मैंने बोला चलिए एक बार और घूम लिया जाए थोड़ा बाहर साथ में। तो बस हम लोग आए हैं साथ में और थोड़ा घूमे फिरेंगे, देन कुछ लेंगे खाने पीने के लिए बच्चों के लिए। बड़ा वाला बेटा भी बहुत ज़्यादा सैड है, पर क्या कर सकते हैं, तो चलिए पहले घूम लेते हैं थोड़ा। बाहर आए हैं लेक में हम लोग, जहाँ पे शाम को आते हैं अक्सर, तो पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। एक चॉकलेट वाला पान दीजिएगा। हमारा घूम के खत्म हो चुका है, कुछ कुछ चीजें लेनी थी हम लोगों ने, वो ले ली पहले ही। और एक जान पहचान का दुकान था वहां पे, मैंने रख दिया है। और हम लोग ने तंदूरी मोमो ट्राई किया, पहली बार मैंने वो शूट नहीं किया, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था और मम्मी ने भी नहीं ट्राई किया था, तो हम दोनों ने ट्राई किया। उसके बाद वो पान खाया, क्योंकि अब तो जा रही हूँ, फिर वहाँ ढूंढना पड़ेगा कहाँ मिलता है, तो मैंने बोला एक लास्ट बार ट्राई कर ही लेते हैं। और अब निकलते हैं घर की तरफ। बच्चों के लिए जलेबी लेनी है, क्योंकि जलेबी की फरमाइश है, मेरे बेटे को आजकल जलेबी बहुत पसंद आ रहा है, तो वो लेंगे और सामान उठाएंगे दुकान से और उसके बाद फिर घर। और अगर अर्ली मॉर्निंग निकलना है तो बस वही सब और क्या, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब, सुबह हो चुकी है और जैसा कि आपको देख के लग रहा होगा मैं नहा चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग है, मेरी ट्रेन बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में है। और लास्ट कप ऑफ टी यहाँ का, मम्मी ने चाय बना के दे दिया है, उसको पता है कि मुझे सुबह में चाय चाहिए। बेटा भी फ्रेश हो रहा है, उसे बस रेडी करेंगे, मैंने उसको ऑल डांटा है कि तुम नहाना नहीं, बस फ्रेश हो और उसके बाद आओ, मैं तुम्हें कपड़ा पहनाती हूँ, नहीं तो उसका कोई ठीक नहीं है, वो वॉशरूम में चला गया है नहाने के लिए इतनी मॉर्निंग में।
तो बस अभी चाय पियेंगे, उसके बाद उसे रेडी करेंगे और फिर निकलेंगे। भाई लोग भी उठ गया है, वो लोग भी फ्रेश अप हो रहा है, वो लोग भी निकले। वो भाई और बड़ा वाला बेटा मुझे ले जाएगा छोड़ने के लिए। तो पहले चाय ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और बस यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, तो वही मम्मी हम लोगों में खोइंचा दिया जाता है, बेटी को खाली ऐसे विदा नहीं किया जाता है। उसमें जीरा चावल आपके पास जो भी अनाज है और थोड़ा सा घास वगैरह और कुछ पैसे दिए जाते हैं विदाई के तौर पे। वही मम्मी का रोना बंद नहीं हो रहा था, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि अगर मैं ज़ोर से रोने लगी तो पता चला हम लोग रो ही रहे हैं, हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो कैसे भी ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे से यहाँ भी झगड़ा करते हुए, अब किससे झगड़ा करोगे? तब तो भैया से छोड़ के जा रहे हो। ये हमारा सामान आ गया, भाई यहाँ बैठा हुआ है मोबाइल में बिजी है, और ये दोनों अभी लास्ट झगड़ा करते हुए, जाने से पहले भी झगड़ा करके ही जाना है ना? हाँ, हम लोग टाइम पे आ चुके हैं स्टेशन, अभी तक हम लोगों की ट्रेन आई नहीं है, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेन आएगी, देन हम लोग निकल जाएंगे। बहुत याद आएगी यहाँ की, वहाँ अकेले बोर, यहाँ पे फैमिली के साथ हर चीज़ अच्छे से मतलब इन्जॉय करना होता था। आप समझ सकते हैं जो फैमिली के साथ रहता है और कभी दूर जाना होता है, तो सेम सिचुएशन अभी मेरी है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। खैर चलते हैं, ना मन होते हुए भी जाना पड़ रहा है। मम्मी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने उसे चुप करा के तो आया है, बट वो जब भी अकेले बैठेगी, खास करके ये जो छोटा वाला है मेरा, इसकी वजह से सबको रोना आएगा। सबको मतलब इतने क्वेश्चन, इतना ज़्यादा बातें करता रहता है। देखिए अभी भी है, इतना छोटा है। ओए लड़का, देख रहे हैं अभी भी हाथ छोड़ रहा है, देखिए। तो इसकी वजह से सब ज़्यादा रोएंगे, क्योंकि आइए आ जाएगा तो बोलने वाला कम हो जाएगा ना, तो सबको बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो क्या कर सकते हैं, कर लग रहा है हम लोगों की ट्रेन भी आ रही है, तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय कर दो, बाय। और इसे बगल में एक दादाजी मिल गए थे, मतलब दादाजी के एज के थे, तो उनके साथ ये खेलने में लगा हुआ था। ये जो बगल में सोए हुए हैं दादाजी, उनके साथ ये लगा हुआ था, और ये भी छोटा था तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो बार बार इसे अपने पास बुला रहे थे और उसी के साथ खेल रहे थे। तो वो बस उन्हीं के पास खड़ा होकर धीरे धीरे बातें कर रहा था और खेल रहा था। विरिस टू पटना जंक्शन आ गए हैं हम लोग अपने पुरानी जगह, इतने दिनों बाद। प्रणाम कर लो। ब्लॉग का मैं एंडिंग नहीं दे पाई थी, तो मैं आ चुकी हूँ, नेक्स्ट डे हो चुका है, बहुत सारा काम निपटा लेने के बाद। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा था, बहुत दिनों बाद में आई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदा भी हुआ था पूरा सब चीज़। तो क्लीनअप करने के बाद अभी दोपहर हो चुकी है, तो मैं अभी इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मैंने सोचा आप अच्छे से एंडिंग दे दूँ। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना कि अपने घर आने के बाद जो सुकून है वो दुनिया में कहीं नहीं है, बट मेरा पर्सनली मानना है कि जो सुकून माँ के घर पे जाके, माँ लोग के पास, मतलब फैमिली, मायके वालों के पास, फैमिली के पास रह के, वो ऐसे अकेले 5-स्टार होटल में भी नहीं है, समझ आया?
तो वहाँ पे मैं इतने लोगों के साथ थी, इतना इंजॉय कर रही थी, कब दिन हो रहा था कब रात हो रहा था पता ही नहीं चल रहा था, और इतनी जल्दी इतना दिन बीत गया, और यहाँ आके फिर वही बोरिंग लाइफ अगेन। बोरिंग इसलिए क्योंकि मैं अकेली हूँ और मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को पता चल गया होगा मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं हूँ, और मुझे मेरे आसपास बहुत सारे लोग चाहिए, मुझे ऐसे चुप चुप गुमसुम बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मुझे जितने लोग पसंद हैं वहाँ यहाँ पे मैं अकेली हो जाती हूँ, तो ये एक और रीज़न है जो मुझे कोलकाता ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर पूरी फैमिली है। खैर क्या कर सकते हैं, ये लाइफ का पार्ट है तो इसको जीना है। तो अब यहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको, तो अब तक के लिए मतलब कहने का मतलब है अभी का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ बिना बकबक किए, और मिलती हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, बहुत ठंडी है तो ठंडी से बच के रहिए। हाँ फिलहाल बिहार में तो ठंडी है तो थोड़ा बच के रहिए, और बाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।